राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भीलवाड़ा की टीम के द्वारा श्री सत्यनारायण जी गोगड़ के जन्मदिवस पर लगाए गए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई दी है। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर उनका सम्मान किया गया है और सत्यनारायण जी स्वयं भी राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के उपाध्यक्ष हैं और वो इस महासभा से जुड़ने के बाद सामाजिक सरोकारों में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो सत्तु जी से निवेदन करूँगा कि वो राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के साथ जुड़कर किस तरीके से सामाजिक सरोकारों में अग्रणी बने हैं और एक आनंद की सेवा कार्यों की अनुभूति रही है। राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के द्वारा पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन जो किया गया था, उस समय मेरे पास ये 4-5 जने आए तो मैंने सोचा था कि भाई ऐसा कार्य नहीं हो सकता है जाट समाज में, लेकिन मैंने वहाँ जाके व्यवस्था देखी और फिर मेरा भी मन लगा। तो सबसे पहले मैं शंकर जी कुड़ी, शोभाराम जी तोगड़ा, भवानी राम जी नागा और देव बगजी डाबडी में इन चारों से मिला और इन्होंने मेरे को इतना प्रोत्साहित किया, इनसे मैं इनसे प्रोत्साहित हुआ कि भाई ये काम करना है, ये काम करना समाज के प्रति। तो सारे काम करते गए और मेरे सारे काम के अंदर मेरे पूरे परिवार ने, खास तौर से मेरे भाई साहब लोग जो हैं, अम्बालाल जी, कैलाश जी, छोटा भाई छोटू जो हमेशा मेरे से झगड़ता रहता है, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया और पूरे परिवार का मेरे को साथ मिला। उसके बाद में मैं मिला पूसाराम जी भादू, वो भी वो जैसा वहाँ छोटो पे लड़ा उजान वो भी लड़े, लेकिन वो भी मैंने अच्छी राय दी और ये काम है कि वो जो वहाँ पर ये जो राय बताता वहाँ पर आप अमल करता और वो काम किया। हर बार आप परीक्षार्थी की व्यवस्था रेबा की खाबा पीबा की पहले जाट समाज की करता और वहाँ परीक्षा केंद्र तक छोड़ भाई व्यवस्था करता बच्चे वहाँ का। बाद में मैं स्वयं सेवक बनियो और स्वयं सेवक बनने बाद में लादू जी तेली जिला अध्यक्ष जी भाजपा का है वहाँ को संपर्क में आया, जिसका बाद में मेरा स्वर समाज की सबकी व्यवस्था परीक्षार्थी की व्यवस्था करवा लाया गया। तो निश्चित रूप से सेवा परिवार से समाज से शुरू हुई और सेवा का कारवा ये फिर लगातार आगे बढ़ता गया। हमारे बीच राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष जी शंकर लाल जी कुड़ी हैं। तो पूरी टीम सत्तू जी को विशेष रूप से बधाई देगी क्रमशः एक एक कर। जी शंकर जी, आज के माननीय सत्यनारायण जी का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर रखा गया, मैं राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा की ओर से सत्यनारायण जी का तहे दिल से बधाई देता हूं और हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूं। महासभा के हमारे महामंत्री हैं शोभाराम जी तोगड़ा, वो सत्तू जी को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो सत्तू जी के व्यक्तित्व पर, जन्मदिन पर उनके सेवा कार्यों को आप रिकॉग्नाइज भी करें और बधाई भी दें। राम राम सा। सबसे पहले तो आज सत्यनारायण जी का जो हमारे राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के उपाध्यक्ष जी हैं, इनके जन्मदिन के पूर्व एक दिन पहले जो ये नेत्र परीक्षण शिविर का ये आयोजन रखा है उसके लिए और जन्मदिन के लिए सत्यनारायण जी गोगड़ साहब को बहुत बहुत बधाई। तेजाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में स्वस्थ और मस्त रहें। और साथ ही मैं इनके जीवन की चर्चा करता हूं तो जब से हमारे संपर्क में आए हैं इनका इतना जज्बा है काम करने का कि समाज सेवा में ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बराबर सहयोग कर रहे हैं, चाहे छात्रावास का हो, चाहे परीक्षार्थियों की व्यवस्था का हो, चाहे समाज की न्याय संबंधी बैठक का हो या अन्य जो भी आयोजन हो रहे हैं उसमें बराबर कंधे से कंधा मिलाकर योगदान कर रहे हैं। और इनके इस जन्मदिन पर दोबारा बधाई देते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि सत्यनारायण जी गोगड़ इसी तरह हमारे से जुड़े रहे और कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा में जुड़े रहें। धन्यवाद सब। पर भीलवाड़ा में जाट समाज का वीर तेजाजी जाट छात्रावास उसका के सचिव है और सचिव के रूप में आप प्रॉपर स्वयं मॉनिटरिंग करके छात्रावास का एक नया स्वरूप आपने विकसित किया है। तुम्हारे बीच देवबख्श जी डाबर डीमा है। देवबख्श जी आप भी बधाई दें। मैं सत्यनारायण जी गोगड़ के जन्मदिन पर आज जो ये गोमाबाई नीमच का आँखों का जो कैंप रखा इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं इनसे ये निवेदन करता हूँ कि जिस रास्ते को आपने पकड़ा है सदा आगे इसी रास्ते पे चलते रहें और यही रास्ता आपको आगे के लिए बहुत मार्गदर्शन देगा और बहुत ऊंचाइयों पहुंचाएगा, यही मेरी शुभकामना आपको है। धन्यवाद। जय हिंद। और निश्चित रूप से सेवा के पथ पर सत्तू जी आगे बढ़ते रहेंगे। सत्तू जी वैसे दिव्यांग हैं लेकिन विशिष्ट योग्यता के धनी हैं और इनकी जो इच्छा शक्ति काम करने का जज्बा है वो वाकई में कमाल का है। हमारे नारायण भाई हैं, युवा अध्यक्ष हैं राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के और बहुत अच्छे अच्छे कार्यों में ये सदैव अग्रणी
बिल्कुल नेक दिल से लगे रहते हैं। तो आप भी नारायण जी सत्तू जी को जन्मदिन की बधाई दो। सत्तू जी को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, और मैं आशा करता हूँ कि आज जो जाट समाज के में सेवा दे रहे हैं सत्तू जी, तो ऐसे ही आगे देते रहे। तो निश्चित रूप से सत्तू जी समाज के लिए भी और सबके लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके सत्तू जी के हमारे कॉमन मित्र हैं पूसा राम जी भादू, जो राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा, आदर जाट महासभा, जाट समाज ये जितने भी संगठन इस दुनिया में हैं उनसे ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो पूसा राम जी बधाई दीजिए। मैं सतनारायण जी उगड़ साहब को जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जब भी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हमारे किवाड़ा साहब ने भी हर क्षेत्र में हर जगह जो भी आयोजन किए आज दिन तक राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा में, तो पूरा सहयोग रहा है इनका, और इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा, और राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के साथ मेरा व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से बहुत गजब का जुड़ाव है। यहाँ के लोगों की जो एनर्जी है वो अद्भुत है। पूरे प्रदेश में सामाजिक जागरण में समाज के पंचायती फैसलों को न्यायप्रिय तरीके से करने में राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभा रही है, और इसके लिए पूरे प्रदेश और देश स्तर पर इन्हें एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो निश्चित रूप से समाज में सामाजिक समरसता का जो वातावरण है ये बना रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमारे बीच भवानी राम जी नागा है, जो हमारे जाट राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा की भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष हैं। जी सत्तू जी को आप भी बधाई दीजिए। मैं सत्यनारायण जी गुगड़ साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इसी तरह जनसेवा में लगे रहें, इसी से भगवान सबका आपका भी भला होगा। अरे इतनी जनता जितनी भी आई है जेवीपी मीडिया ग्रुप से और आपसे दोनों से निवेदन करता हूं कि अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवें और समाज में नाम करें, इसीलिए आगे इसी तरह आगे बढ़ते रहें। भगवान आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सम्मान्य मांगीलाल जी हैं, जो हमारे राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा के बनेड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और बनेड़ा एक ऐसा कस्बा है, उपखंड है, जिसकी मैंने सबसे पहले उपखंड स्तरीय डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। जी हाँ मांगीलाल जी आप भी बधाई दीजिए। मेरी ओर से सत्यनारायण जी कुकर साहब को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और हमारी यह कामना है कि इसी तरह सेवा करते रहें और बहुत आगे उच्च पदों पर बढ़े। हमारी यही शुभकामना, धन्यवाद। राम राम साहब। सत्तू जी के जन्मदिवस पर और समाज के सभी कामों में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं हमारे हरफूल भाई, जो कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सम्मानीय मांगीलाल जी खेड़लिया गांव के जो थे, उनके परिवार से 2-3 स्वतंत्रता सेनानी हुए। मांगीलाल जी से मुझे भी मिलने का अवसर मिला, तो मांगीलाल जी को सुपुत्र हैं और ये भी सेवा कार्य में सदैव आगे हैं। तो इस अवसर पर आप भी अपनी भावनाएं व्यक्त करें। मैं सत्यनारायण जी गुगड़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जन्मदिन की आर्थिक शुभकामनाएं। ये एक पहला काम किया सत्तू जी ने, जिन्हें जन्मदिन पर एक ऐसा कैंप लगाया जो हजारों लोगों का भला हो सके। भगवान तेजा जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई दन दुगुणी रात चौगुणी करे सत्तू जी। बोलो तेजा जी महाराज की जय। तो निश्चित रूप से सत्तू जी के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए समाज के सारे अग्रिम सेवा भावी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे राजस्थान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष साहब सत्तू जी को जन्मदिन की खास बधाई देवा। सत्यनारायण जी को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, और सत्यनारायण जी को हम तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं उससे 4 गुना आगे प्रोग्रेस करें, अच्छे पदों पर रहे और कार्य को निरंतर बढ़ाते रहे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हमारे बीच में है श्री सांवरलाल जी। सांवरलाल जी आप भी सत्तू जी को बधाई दीजिए। मैं सर्वप्रथम सत्यनारायण जी उगड़ साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से इन्हें जो करते हैं, इनके जो काम है, कथनी और करनी में जो अंतर नहीं है, ये कहते हैं वो काम को करके दिखाते हैं, ऐसा ही सेवा का काम इनने किया है। हजारों लोगों को नई रोशनी देने का जो कैंप लगाकर आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्हें जो काम किया वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार से जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ऐसे सेवा के कार्य करते रहे। जय हिंद। तो निश्चित रूप से ये सेवा का पथ आगे बढ़ता रहे। तो ये राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा की तरफ से इनका विशेष सम्मान सत्तू जी का, एक पदाधिकारी के नाते और सेवाभावी कार्यकर्ता के नाते। सत्तू जी सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़े, लीडरशिप को डेवलप करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।